हेलो फ्रेंड्स, कनाडा का स्वाद ले लो। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई एम स्टार्टिंग माई ब्लॉग टूडे। इट्स माई सेकेंड डे, नो थर्ड डे इन कैनेडा। आई लैंडेड ऑन द 20th। सो अभी आपको बताते हैं कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं आते ही, और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस रोज़ आपके साथ शेयर करूँगी, सो प्लीज़ डू वॉच टिल द एंड। करेंटली आई एम स्टेइंग विद माई कज़न्स फॉर 10 डेज। 1 मई से मेरी क्लासेस शुरू हैं और तब से मेरा एक अपार्टमेंट बुक हो चुका है। मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट माई एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग हियर इन अ बेसमेंट, आई विल शेयर दैट इन अ सेपरेट वीडियो। अभी फ़िलहाल मैं एक बेसमेंट में रह रही हूँ, विच इज़ अ 2-bedroom बेसमेंट। बहुत सारी चीज़ें अलग हैं इंडिया से, इस्पेशली जो मैंने पहले से ही सोचा हुआ था, जेट स्प्रे। बहुत डिफ़िकल्ट है अडेप्ट करना इस चीज़ को, क्योंकि क्लेनलीनेस का, हाइजीन का मामला है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आई गॉट अमेज़ॉन से पोर्टेबल जेट स्प्रे। आई शो इट टू यू गाइज। तो ये वो जेट स्प्रे है जो मैंने लिया था, पर इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। एक तो इस स्प्रे का कोई मतलब है नहीं, मीनिंग नहीं है। दूसरी चीज़, ये यहाँ से लीक होता है जब भी आप स्प्रे करो। तो अगर आप ये बाय करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ डोंट बाय, यूज़लेस। आप लोगों के साथ एक नेगेटिव पॉइंट बेसमेंट का तो मैं अभी से शेयर कर देती हूँ। यहाँ पता ही नहीं चलता दिन हो रही है, रात हो रही है, क्या हो रहा है, बिकॉज़ देर आर नो विंडोज़। 2 विंडोज़ वहाँ पे हैं विच आर क्लोज्ड। सो मैं बाहर निकली नहीं हूँ अभी, बिकॉज़ यहाँ से बाहर निकलने के लिए यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाके ये फर्स्ट डोर है, फिर एक मिडिल डोर है, फिर थर्ड शटर है, वो ओपन करके देन आई बी एबल टू गो आउट। आज मैं बाहर निकलने वाली हूँ, आई विल शेयर दैट विद यू गाइस। तो इट्स करेंटली सनी एंड ऑल्सो रेनिंग इन बिटवीन। अभी आई हैव माई लंच एंड देन वी विल मूव आउट। बेसमेंट की तो एक यही है कि यहाँ पे विंडोज़ इतने छोटे होते हैं, तो वो ओपन भी नहीं कर सकते आप, और ना ही आप फ्रेश एयर ले सकते हो। तो कंसिडर दैट इन माइंड इफ़ यू आर क्लॉस्ट्रोफोबिक। ये हमारा लंच, ये चिकन करी, बहुत ही वाहियात टेस्ट है इसकी ग्रेवी का। ये पहला इधर का जो खाना जो मैं खा रही हूँ, और ये रोटी जो कि पापड़ बन चुकी है, एंड दिस इज़ होममेड खिचड़ी, दिस इज़ नाइस। गेट डन विद दिस और फिर बाहर जाना है, तो बाहर निकल ही जाते हैं। Waiting for my friend. मेरी फर्स्ट ग्रोसरी विजिट। इसकी एंट्री इधर इधर से है। देख स्कॉशिया बैंक। फाइनली मैं इसमें जाऊंगी। ओ ओ, एक सेकेंड, ये वो गेड़ी रूट है क्या जो यूट्यूब में हर जगह दिखता है? मुझे लग रहा है वो अलग जगह है, वो भी है ना, एक वैसे ही लग रहा है। उधर ये नहीं है माल्टा, आएगी ना वहाँ पे स्टेपल्स वाला मिलने से थोड़ा वेट कर लिए। क्यों? पता चलेगा जी एस टी गई। कितना लगा है? 28 मिनट।
किया छोटी हाँ अरे बेकिंग करती है मस्त करती है तो उसको ये वाली जो चीज़ है ना ट्रिपल शेडर और क्रीम चीज़ दे रही हूँ मुझे भी चीज़ पसंद है मुझे उस ब्रास ग्लास अभी मेरे को पीने का है कुछ मेरे को मतलब बहुत टाइम से मेरा गला सूख रहा है प्यास लग रही है मेरे को बियर पीना है नहीं हाँ पानी बियर आलू कांदा 249 और वो एवोकाडो किधर है एवोकाडो दिखा मेरे को एवोकाडो वन टू और ये क्या है पैशन फ्रूट मुझे नहीं पता ये तो एकदम ही सस्ता ये सही लग रहा है यार ये मस्त लग रहा है ये तो अभी सीधा घर पे इसको ओपन करना मैं ट्राई करती हूँ इसको ये उधर सर कहीं सिटिंग का हो रास्ते में कहीं पे सिटिंग का मेरे को लगता तो नहीं है होगा यहाँ पे कहीं पे ऐसे तो नहीं होगा ना कोई हाथ से छीन के भाग जाए कनाडा इतना भी बुरा नहीं है अंधेरा तो हो गया वैसे डर लग रहा है यार मुंबई वालों को डर लग रहा है हाँ तो मैं तो बोलती हूँ भाई मुंबई से सेफ जगह कोई है नहीं यहाँ पे नहीं है यार बैठने का कुछ यहाँ पर इस पे रख के ही कर लेते हैं ना इस पे रख के कर लेते हैं ना यहाँ पे रख के कर लेते हैं ना मेरे को पीना है मैं वहीं पे जा रहा था ये रेलिंग है यार ठंडी हो रही अंदर अच्छा था टीचर चल रहा था अंदर यहाँ जा रहा हाँ मैं वही तो बोल रही हूँ वही वही है चालू है नहीं हॉरिजॉन्टल पकड़ देख मैंने इंडिया से कुछ नहीं लिया है क्योंकि दीदी ने ना बोला था यहाँ पे आके वो नहीं चलते मैं बताऊँ तुझे एक बात डीकैथलॉन पता है यहाँ पे डी इधर भी है डीकैथलॉन के यहाँ पे चलते है डीकैथलॉन के यहाँ पे चलता है सब कुछ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती डीकैथलॉन वाले से इसलिए जो जितने लोग भी डीकैथलॉन है ना उनका सोच कैलगरी जैसी जगह पे चला है डीकैथलॉन यहाँ पे वहाँ यूनियन स्टेशन पे ही है अपने इधर नहीं टोरंटो अच्छा उधर जा भाई तू एक बार जा टोरंटो यार बहुत अच्छी जगह लोग ज़्यादा रहेंगे ना अरे हाँ तेरे लगेगा तो क्यों मुंबई की ट्रेन में आ गई है टीटीसी में बैठेगी ना यार बस तो यहाँ पे भी भर भर के जा रही है ओ, एक ट्रेन है खाली नहीं थी मेरे पास फोटोज में दिखा इसका मेरे को ना ऐसे पहचान हो गया और हम जिस दिन गए थे ना हाँ उस दिन यहाँ पे उनकी मैच थी आइस हॉकी की हाँ तो बाहर में ले गया था मेरा रोड कैसी है यहाँ की खड्डे वड्डे देख टाइम स्क्वायर सस्ता बाहर में गए थे हम तू होती ना फोन पकड़ के ही लेना भाई मैं तो ऐसा डिप्रेस हो रही थी ना घर पे बैठ के सही मैं सीरियसली अरे निकल जाने मतलब मैं घूमेगी तभी तो पता चलेगा हाँ आज मैं इसलिए मैं निकली पर मेरे को ये कुछ चीज़ों का था यार अपार्टमेंट अगर दो लोग एक कितने का है अपार्टमेंट
यहाँ पे है ना जो लीज ओनर है ना जो लड़का, हाँ, वो उसको पुरानी लीज पे चल रहा है, हाँ, तो उसको 1600 में ही है। 1600 और कितने रूम्स हैं? 2 BHK अटैच बाथरूम दोनों। और अगर अपन जैसे एक 1 BHK उसमें लेते हैं, एक रूम लेते हैं उसमें डबल शेयरिंग में, तो कितना पड़ेगा? 1600 है। तो कितना पड़ गया? 800-400 पड़ 400 डबल शेयरिंग। हाँ, वहाँ पे अभी 1 BHK का वही मेरे जो बिल्डिंग है ना उसी में 1 BHK के नए लीज के 1600 है यार। बट फिर 2 BHK के वो क्या है, 2200 वॉशिंग मशीन वगैरह की रूम्स में नहीं होता ना, बिल्डिंग्स में नीचे होता है ना वो कॉइन डाल के ना। कॉइन वाला नहीं है, ये कार्ड वाला है, बट हाँ उनके जैसा है। सही है, पर लाइट भी लाइट में ही है। तुम लोग हो जाओ 2-3 लोग, तो अपने को 6 लोग का आराम से हो जाए। 2 लोग देख हॉल में रह जाएंगे, हॉल बहुत बड़ा है, ठीक है। 2 लोग एक रूम शेयर करेंगे, 2 लोग दूसरा रूम शेयर करेंगे, हो जाएगा ना। हाँ, अभी तो मेरा शॉर्ट हो गया, अभी उसको एडजस्ट करवाने का है। कुछ करते हैं। और ब्रैम्पटन में तो तुझे बेसमेंट ही मिलेंगे, पूरा हाउस तो मिलता ही नहीं है। हाँ, बेसमेंट अपने को कॉलेज एक चीज तो मैंने बना लिया कि भाई बेसमेंट मेरे को लेना ही नहीं है कुछ भी। दूसरी बात वो कि अपना जो मैं जा रहे हैं ना वो परफेक्ट लोकेशन है, क्योंकि सीधा उतर के टर्मिनल है, कहीं पे भी जाना हो तो। चल मैं तुझे बताऊंगी। एंड आई एम बैक होम। सो टुडे वॉज माई फर्स्ट डे गेटिंग आउट शॉपिंग, गोइंग टू फ्रेशको। इट वॉज अ वेरी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। दो इट वॉज 11 degrees एंड 8 degrees आउटसाइड, इट वॉज वेरी वेरी कोल्ड फॉर अ मुंबईकर टू सर्वाइव। एंड इवन आफ्टर वेयरिंग अ जैकेट, दिस इज अ थिन जैकेट, बट इट वॉज वेरी कोल्ड, इट वॉज वेरी कोल्ड। आई शुड हैव वोन थर्मल्स, but I had a lot of fun. So now I'm finishing my dinner and I'll sleep as I'm very tired of walking. And I'll meet you guys tomorrow. Bye bye.